चेहरे के दाग धब्बे झाइयाँ झुर्रियाँ किस तरह से इसे हटाएं। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने पिगमेंटेशन मेलास्मा से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। चेहरे पर कई बार हमारे काले काले पैचेस हो जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं, जो हमारी सुंदरता को ख़राब कर देते हैं। आज इस वीडियो में आपके लिए चार अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई। चारों रेमेडी इतनी आसान है और रिज़ल्ट आपको 100% मिलने वाला है। सबसे पहली जो रेमेडी है दोस्तों, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे नारियल तेल और उसमें मिलाना है आपको चुटकी भर हल्दी। बहुत पावरफुल है, सभी के पास कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। हल्दी जो होती है हमारे दाग धब्बों को दूर करती है। तो एक एक करके सारी रेमेडी आपको बताती जा रही हूँ। कई लोगों को मेलाज़मा जो होता है ना दोस्तों, कई लोगों को प्रेगनेंसी के समय हो जाता है, बहुत से लोगों को मेनोपॉज के समय हो जाता है, और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा धूप में जाने से भी काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं, दोनों गाल नाक चिन पर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि क्या क्या चीज़ इसमें हम ले सकते हैं दाग धब्बों को दूर करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है जायफल। जायफल जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं उसे हम आसानी से लगा सकते हैं और रिज़ल्ट 100% आपको मिलेगा। जायफल को कद्दूकस कर लीजिए या पत्थर की चौकी में घीस लीजिए और साथ में मिलाइए कच्चा दूध। वैसे ना दोस्तों, एक जायफल का फ़ायदा और भी होता है। जब बच्चों को हमारे यहाँ सर्दी खांसी हो जाती ना, तो चुटकी भर जायफल को दूध में मिलाकर चटा दिया जाता है। थोड़ा सा, सिर्फ एक उंगली में लेकर मुंह में चटा दीजिए आप बच्चों को। बच्चों की कफ की जो समस्या है, जो छाती में कफ जम जाता है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह से आप पत्थर की चौकी में भी घीस सकते हैं, इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए और कच्चा दूध मिलाकर इसे जायफल के पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट तक लगा कर रखें। 15 मिनट के बाद आप चाहें तो चेहरे को साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे भी हो गया था, बहुत ज़्यादा गहरा था दोस्तों, अभी तो आपको शायद बहुत हल्का दिख रहा होगा, थोड़ा सा मुझे गाल पर है, हल्का सा भी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा काला था। मैंने इस रेमेडी से बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। अगला तरीका है मुलेठी की जो लकड़ी होती है ना, बहुत फ़ायदेमंद मीठी होती है। हमारे यहाँ जब खांसी हो जाती है सर्दी ना, तो मुलेठी का पाउडर शहद में मिलाकर चटाया जाता है। ये मुलेठी का पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, मुलेठी का पाउडर ले लीजिए 1/2 चम्मच और इसमें आप चाहें तो शहद मिला लीजिए। आप इसमें चाहें शहद नहीं है, दूध मिला लीजिए। कभी कभी आप चाहें तो नींबू का रस भी मिला सकते हैं और इस मुलेठी के पाउडर को चेहरे पर लगाएं। झाइयाँ झुर्रियाँ दाग धब्बे मुहासे एक्ने या फोड़े फुंसी के जो निशान है ना, वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। तो जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं खुद आज इतनी उम्र की हूँ दोस्तों, 58 ईयर हो गए हैं और अभी भी मैं इसी तरह से नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। और मेरे जो इतनी ज़्यादा मुझे पिगमेंटेशन हो गया था मेनोपॉज के बाद, जो कि बहुत हद तक मैंने क्योर कर लिया है इन्हीं घरेलू नुस्खों की मदद से। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बहुत सी ट्यूब देते हैं, बहुत सी क्रीम लगाते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वापस हो जाता है। पिगमेंटेशन की बात करें ना, इसे भी 15 मिनट लगा कर रखना है। दो तरह का होता है, एक होता है हाइपर पिगमेंटेशन, एक होता है हाइपो पिगमेंटेशन। कई बार हमारे चेहरे पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं और जो ये हाइपर पिगमेंटेशन होता है, इसमें काले काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं, आईब्रोज के ऊपर हो जाते हैं, नाक पर हो जाते हैं। तो इस मुलेठी के इस पेस्ट को आप पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। वैसे भी ये बहुत अच्छा होता है, हमारे स्किन को टाइट करता है, हमारे स्किन को जल्दी लूज होने नहीं देता, लंबे समय तक स्किन में जमा बनी रहती है हमारी स्किन। इसके अलावा रात को सोते समय क्या करना है आपको, 1 चम्मच नारियल के तेल में 1 चुटकी हल्दी मिलाइए। दिन में तो नहीं लगा सकते, सुबह हम लोग घर का काम करते हैं और नारियल का तेल चेहरे पर लगा लेंगे तो बहुत पसीना आएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस रेमेडी को केवल रात को करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नारियल का तेल, रुई ली है, एक छोटा सा रुई का टुकड़ा डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए और अब आपको क्या करना है, अपने पूरे चेहरे पर इसे लगा लीजिए। 15 मिनट रात के समय करिए,
15 मिनट लगा के रखिए। उसके बाद एक गीले कपड़े से आप हल्का सा इसे पोंछ लीजिए। चेहरे को धोना नहीं है, चेहरे पर इसे लगा रहने देना, सिर्फ गीले कपड़े से हल्का सा पोंछ लीजिए ताकि आपके कपड़ों में हल्दी के दाग लगने ना पाए। सुबह उठकर हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। एक सप्ताह करके देखें, आपका पिगमेंटेशन गायब हो जाएगा। ये ना सोचें अरे हमारा चेहरा पीला पड़ जाएगा, 15 मिनट बाद गुनगुने पानी वाले कपड़े से हल्का सा पोंछ सकते हैं, धोना नहीं है चेहरे को और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों मुझे खुद को बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है और मुझे ये रेमेडी बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा सारी ये जो रेमेडी जो मैंने अपने ऊपर ट्राई की थी, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, आपको भी ये शेयर करती हूँ। और इसके अलावा इससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी। क्या होता है, नारियल का तेल जो होता है ना, इसमें कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे लंबे समय तक हमारे चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते हैं, झुर्रियाँ नहीं आती हैं। देखिए मैंने खुद ने एक ऐसे पुराने कपड़े से इसे पोंछ लिया है चेहरे को और धोऊंगी नहीं, बस इसे लगे रहने दीजिए। अभी मैंने आपको इसको दिन में करके दिखाया है, परंतु आपको रात को करना है ताकि चेहरे पर पसीना ना आने पाए। उसके बाद देखिएगा कैसे नहीं रिजल्ट मिलेगा। आसानी से हम अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, और आपने यदि सब कुछ कर लिया है फिर भी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन या काले तिल की परेशानी है, तो इस आयुर्वेदिक रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। अगली रेमेडी जो इस वीडियो में लेकर आई हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए टोटल 5 रेमेडी लेकर आई हूँ झाइयों को दूर करने की। अगली रेमेडी में मैंने यहाँ लिया है आलू, ले सकते हैं कच्चा आलू ले लीजिए, कुकुम्बर है, खीरा है वो ले सकते हैं, टमाटर है तो टमाटर ले लें, तीनों चीज़ को भी मिलाकर ले सकते हैं, या नहीं है तो परेशान मत होइए। कच्चा आलू ले लीजिए और खीरा, मैंने खुद ने कच्चे आलू को बारीक टुकड़ों में काटा है, देखिए दूध डाला है 2 चम्मच ताकि मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर सकूं, और कुकुम्बर डाला है। यहाँ मैंने कुकुम्बर का छिलका उतार कर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो छिलके सहित भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है, इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। अब ये ना सोचें इतना सारा पेस्ट, इस पेस्ट को जो बच जाएगा ना उसे आप लोग फ्रीज में रख दीजिए ताकि 2-4 दिन बाद या फिर दूसरे दिन भी आप इसे फिर से लगा सकें। एक सप्ताह लगातार कुकुम्बर और कच्चे आलू का रस चेहरे पर लगा कर देखें, पुराने से पुराने दाग धब्बे आपके बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। कुकुम्बर का जूस, ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं खीरे के रस में, हमारी स्किन को हेल्दी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा और साथ ही साथ हमारे स्किन के सारे निशानों को गायब करेगा, मुहासे एक्ने का होना भी बंद होगा और आपकी स्किन लंबे समय तक जवां बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आए तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें।